One, two, three. Funk it. डेकेडेट आ जाओ, रूम दिखाते हैं डेकेडेट का। अगर असली रूम देखना है कैसा होता है शिप पे, टैंकर शिप पे, किसी भी शिप पे, सो आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि हाउ अ रूम ऑफ अ डेकेडेट कैन बी। चलो ओके, सो आई हैव बीन गिवन अ बेसिक रूम, बट हाउ आई हैव चेंज्ड दिस रूम इनटू समथिंग अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड फॉर एनीवन हु कम्स इनटू माय रूम, आई विल शो यू नाउ। बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया है एंड आपको अगर कैडेट के रूम देखने में अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको बहुत कुछ गजब देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। एक रूम है उसका ही टूर करवा रहा हूँ, कुछ बहुत स्पेशल नहीं करवाने वाला। इट्स नॉट अ थ्री बेडरूम अपार्टमेंट, बट यस यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग आई बेट। ओके आ जाओ। तो यार एक लास्ट शिप पे आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा इस बार ना माहौल थोड़ा लाइट रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, इसके लिए थोड़ा लाइटिंग लगाया, थोड़ा चेंज किया है। गुरप्रीत बाजी आ जाओ एक बार, लाइटिंग दिखाते हैं बच्चों को कैसा है क्या है। ओके सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि क्या अपन चेंज कर सकते हैं एक नॉर्मल रूम में। अभी आपके लिए लाइट्स ऑन कर देता हूँ ताकि बेसिक आपको मैं हर चीज के साथ है ना एक बार टूर करवा दूँ। सो ये नॉर्मल एक कमरा है जिसपे मैंने थोड़ा सा चेंज वेंज किया था, थोड़ा मूड सबका लाइट रखने के लिए। ओके एक पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ था लाइटिंग को, अब बंद हो गई है एंड ब्लू ओरिएंटल का बल्ब यूज किया हुआ, हट गया। ओके सो आई विल स्टार्ट विद हियर। हैंगर वैंगर यार अपने बॉयलर सूट एंड शर्ट वर्ट को टांगने का, क्योंकि रोज जब भी आप वॉच पे जाते हो तो आपको हैंडी होना चाहिए ये सब। उसके लिए ये है अदर थिंग्स यार, ये प्री अराइवल चेकलिस्ट एंड ऑल, आई विल हाइड द कंपनी नेम एंड ऑल बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। ठीक है तो चेकलिस्ट है जो मैं खुद के लिए करता हूँ, ये है मेरा ड्यूटीज ऑफ डेकेडेड ड्यूरिंग प्री अराइवल। देख लो भाई लिस्ट देख लो लंबी लंबी क्या है, चेक यूटीआई, ऑल कार्गो रेडी, व्हाटएवर बिल्ज लेवल, फक ऑल थिंग्स आर देयर। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। डेली ड्यूटीज चेक, सीसीआर राउंड्स, फाइल चेक, बार ओपन, गेट बार कंजम्पशन, गेन नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर, व्हाटएवर शिट ऑल, श्योर एवर दैट केप्ट इट फॉर मी। सो माय प्रीवियस कैडेट हैड डन ऑल दिस, दिस इज नॉट माय क्रिएशन। ओके सो ये एक बहुत काम की चीज है जो मैं पिछली बार नहीं लाया था बट इस बार लाया हूँ। ये आप एक शिप पे जाते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, जैसे कैसे माहौल लाइट रखना है, कैसे अपने रूम के अंदर आप बेस्ट एनवायरनमेंट बना सकते हो, ये एक बहुत काम की चीज है। लॉन्ड्री बास्केट कह सकते हो उसको, है ना। तो जो भी पहली बार जा रहा है उसके लिए मस्ट एसेंशियल है ये, एक पेपर की तरह फोल्ड होके इतने साइज का हो जाता है, सारे कपड़े डालो और सीधा वॉशिंग मशीन में। ओके ये थोड़ा कैलेंडर है, हर एक मर्चेंट नेवी जो भी जाता है ना, जो कोई भी बोसन, एबी, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, सबके पास ऐसा एक कैलेंडर जरूर होता है जो डेट के साथ ना वो ऐसे क्रॉस 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 करते रहते हैं। इसको दिन गिनना कह लो या कुछ और कह लो, बात एक ही, जैसा आपका मन। ठीक है दिन गिनना नहीं कहूंगा मैं हफ्ते के बाद आई गो फ्रॉम बिरयानी टू बिरयानी, सो दैट इज माई फॉर्मूला। 24 बिरयानीज आती है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसको धीरे 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 टिक ऑफ करते रहते हैं। ओके यार जब रोलिंग होती है ना, अभी तो हम लोग को दो बेडरूम दो ये बेड्स प्रोवाइडेड है, क्योंकि जनरली जिस कंपनी में मैं हूँ उसमें पहले दो कैडेट्स रहते थे एक रूम में, बट अभी आई थिंक एक ही का चल रहा है। ठीक है तो रोलिंग के टाइम पे ना जब आप ये वाला बेड यूज नहीं कर पाते तो आपको है ना ये वाला सोफा यूज कर सकते हो, दैट्स माय लैपटॉप एंड ऑल। तो दो एक सोफा प्रोवाइडेड है, ये है एक नॉर्मल टेबल चेयर है एंड अ वेरी गुड लैम्प जो कि आप पढ़ाई वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक छोटा सा रूम है, छोटा भी नहीं बोलूंगा, सफिशियंट बोलूंगा एक जाने के लिए, जो कि आपके लिए गुड इनफ है अगर आप किसी भी रैंक के लिए हो, बट यस कैडेट के लिए बेसिकली यही रूम प्रोवाइडेड होता है। ठीक है एंड ये तो अपना ट्राइपॉड है, इससे ही अपनी सारी वीडियो शूट होती है। क्रेडिट टू गुरप्रीत पाजी जिनने ये वीडियो मेरे लिए शूट करने का हाँ बोल दिया मेरे को, ड्यूटी के बीच में नहीं कर रहे बट यहाँ ऐसे तो रोना मत। ठीक है ये अपना एक बेसिक सा अलमारी है, पाजी कैमरा कपड़े मत निहारना मेरे। ठीक है ये अपना बेसिक सा अलमारी है, हाँ ये मेरा नहीं है शौर्य का, ऐसे जज मत करो मेरे को। ठीक है ये अपना बीच का कुछ सामान एंड ये नीचे सामान। ठीक है एक बेसिक सा सामान है, थैंक यू गुरप्रीत पाजी, है ना। और बस यार यही सब है, इतना ही रूम है। अगर आपको बाथरूम देखना है बहुत क्यूरियोसिटी, आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवील है, मजा आएगा आपको बाथरूम देख के। ठीक है
मस्त चीज है. नॉर्मल बाथरूम, शावर एंड एवरीथिंग, सब कुछ है, नल वल है, बट एक अच्छी चीज, जेट नहीं है. आपके लग गए यहीं पे गंदे वाले, जब आप सोच के आए थे कि जेट मिलेगा, सब मिलेगा, हर सी फेरर को ये यूज करना पड़ता है. या अपना हाथ को यू करके यूज करो, या फिर इसको यूज करो भाई. तो भाई देख लो, अभी बहुत तो तुम सपने देख रहे हो ना, 6 महीने तुम्हें टिश्यू यूज करना पड़ेगा. तो अपने सारे सुख चैन जो खाने के हैं, जो निकालने के हैं, सबका अपना बंदोबस्त करके चलना पड़ेगा. मिल जाता है ये सब, बट स्टिल हाथ तो अपना यूज करना पड़ता है ना, वो नहीं मिलता किसी वक्त का. ठीक है, चल बाथरूम तो आप देख ही लिया होगा, मेरे फकअप्स भी देख ही लिए होंगे. तो शौर्य का भी आपको दिखा दूंगा कि उसने मेरे लिए कैसे हैंड ओवर किया था एंड उसने कैसा रूम छोड़ के गया था. हाँ शौर्य, मेरे को मालूम है तू वीडियो देख रहा है, मेरे को लात मारेगा तू बाद में. बट यस, दिस इज इट, दिस इज द रूम टूर. थैंक यू सो मच गुरप्रीत पाजी, एंड चलो चलते. यस गाइस, माय रिलीवर इज रेडी. ओ सॉरी, इसका रिलीवर रेडी हो गया. हाँ भाई, कब की फ्लाइट है, कब जा रहे हो? वी आर वेटिंग फॉर आवर बोट टू डिसेंबर्क. बोट टू डिसेंबर्क, सही बोला है, खुद को ही सोच रहा है. और क्या करोगे दुबई में? बहुत कुछ सोचा है, अलग चीजें. दुबई की सोच मेरी काफी अलग जा रही है, पर लोग कहते हैं एमआई क्या, एमआई क्या सोच उस तरफ जा रही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा दुबई में. दुबई काफी पारिवारिक शहर है. ऑल सेट, हैंडओवर रेडी. बाकी और तो सब बढ़िया चला है, जहाज पे 6 महीने अच्छे निकले. हाँ हाँ, क्या लगता है मेरा टाइम सेकंड शिप पे कैसे जाएगा? देखो बंदे अच्छे हैं, बात ही अच्छी है, टाइम भी अच्छा निकलेगा अगर तुम अच्छे रहोगे. कुछ लोग होते हैं पहले शुरू में आके अपना इम्प्रेशन गलत कर देते हैं, ऐसा अगर करना नहीं है, अगर नहीं करें 6 महीने आराम से निकलेंगे अगर अच्छे से इम्प्रेशन गए. चीफ ऑफिसर ये बंदे लौंडे लपटे बहुत अच्छे दोस्ती तरह रहते हैं, उससे बातें करो. जहाज अच्छा है, नया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कप्तान भाई की तरह अपने छुट्टी देता है आराम से उसको. मिक्स क्रू भी है, तेरा फेवरेट ओएस भी है. चूतियों को चूतियां बनाओ, मिक्स क्रू के साथ बातें करो, अंग्रेजी में अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करो उनके साथ बात कर. और ओएस तो बेस्ट है यहाँ पे. ओएस तो अच्छा, बेस्ट चुगली हो रही है, फर्स्ट बेंचर है क्लास का, मैम में है, आंसर वाला लौंडा है वो. सबकी चुगली एकदम एक सेकंड के अंदर बनके देगा. क्यों सो रहे थे तुम? सो मैं इसलिए रहा था, मेरा एक वैलिड रीजन है. रात को बर्थडे था तो घर से कॉल आया, उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेट बनाने साइन ऑफ हो रहा था. बना लिया फिर सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट बना लिया, साइन हो गए, सब हो गई, पैकिंग हो गई, टेप लग गई. चलो दे दो फिर हैंडओवर. हैंडओवर नोट्स आपके वहाँ पड़े हैं और पीसी में भी हैं, बाकी मैंने आपको मुंह बुलाई हैंडओवर सारा कर दिया. तो आप जो भी मैंने बोला है अगर आपके माइंड में सब स्टिक हो चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नोट्स बना के रखा. ओके ओके, उसमें पंप रूम की स्पेशल जगहें भी लिखी हैं, झांसी स्पेशल जगह है जहाँ पे आप इजीली सो सकते हैं. इजीली समझ गए अभी आप. और भाई यार, इसका इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाओ, सब फनी वीडियोस है काफी सारी, है ना? वो भी बता दे तू क्या करता है उधर पे. मिसिंग चीज रह गई थी, इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं मेरा, शौर्य वैट्स के नाम से, काफी अच्छा कंटेंट. एक बार यूजर नेम स्पेल आउट कर दे यार. शौर्य shaury.waadhs. ओके, इंस्टाग्राम पे जाएंगे सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा फनी. और अभी वापस आने वाले थोड़े दिनों में, क्योंकि मैं घर जाऊंगा, काफी लोग वेट भी कर रहे थे. ऑब्वियसली आप भी देखोगे, आप भी मेरे को मैसेज करेंगे कब आ रहे हो आप. और जितनी भी लड़कियां हैं वीडियो को देख रही हैं जो शौर्य वैद्य के लिए, क्या अब तुम ऐसे मत बोलो यार, गाल लाल करोगे क्या, वैसे शेव कर रखे और गाल दिखेंगे शौर्य वैद्य. तो इतना ही था आज के लिए, प्लीज कट कीजिए यार. अब साइन ऑन हो चुका है, तो अब टेक ओवर के लिए रेडी है क्या शौर्य? टेक ओवर कर ले, बस आपके हाथ में ये सब जज. 2 दिन के अंदर मैंने टेक ओवर करवा दिया आपको, इतना काबिल बना दिया कि आप टेक ओवर कर. 4 दिन हो गए साले, 4 दिन हो गए मेरे को, 2 महीने खुद लगे थे पंप रूम की आंखों देखने में पूरा. ओके ओके, सब डन, टेक ओवर कर ले, आप टेक ओवर कर सकते हैं. चलो गाइस, आई एम ऑन शिप एंड इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. आपने वीडियो देख ही लिया होगा कैसे आना है, क्या करना है. सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन पे बैठ जाओ, जाके जो करना है करो, लेकिन दबा दो, दब जाना चाहिए. सारी लेटेस्ट वीडियो जो भी तोलानी वगैरह, जिसका भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ARI वगैरह का, सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं. सो हैव फन, बाय बाय.
love you.